my YouTube channel सर्चिंग स्टडी। तो ये जो एजुकेटर का दौर है इसके अंदर मैं भी शामिल हुआ हूँ। मेरा नाम संदीप है, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स और जो भी आपके जो जीके का पोर्शन है जनरल नॉलेज है वो सभी मैं आपको कवर कराऊंगा। और सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। चलिए देखते हैं, जब का केमिस्ट्री है केमिस्ट्री देखिए बहुत ही प्यारा सा वर्ड है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री जो है जिसे हिंदी में बोला जाता है क्या, रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान के साथ साथ हम इसे रसायन शास्त्र भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कोई समझने वाली चीज तो है नहीं, केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है, रसायन शास्त्र भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ एक देश जिसका नाम था इजिप्ट, जिसे मिस्र देश कहा जाता है, जहां से इसका क्या हुआ ओरिजिन हुआ केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री बना किससे, एक शब्द था केमिया। ये जो केमिया होता है इसे बोलते ब्लैक वाटर, लेकिन जो एक्चुअल में केमिया का मतलब होता है वो होता है क्या कि अलॉय तैयार करना, यानी अलॉय टुगेदर जैसे दो या तीन चीजों को मिला करके आपस में एक चीज तैयार कर देना, उसे बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कॉपर है, कॉपर के अंदर जिंक को मिलाएंगे तो ब्रास बनेगा। ऐसे ही जब हम अलॉय तैयार करते हैं दो या तीन चीजों को मिलाकर उसे बोला जाता है अलॉय टुगेदर, उसे बोला जाता है केमिया। मतलब केमिया का मतलब होता है अलॉय टुगेदर, ठीक है। तो बेसिक सी अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, अराउंड 22 घंटे या फिर 25 घंटे या 22 घंटे आसपास जो आपका केमिस्ट्री चला जाएगा। उसके बाद आपका बायोलॉजी है अराउंड 40 आवर्स के लगभग लग जाएगा, ठीक है। 35-40 घंटे आपके जो है बायोलॉजी को कंप्लीट करने में जाएगा। केमिस्ट्री आपका 20-22 या फिर 25 घंटे के लगभग का जो है टाइम लगेगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। तो केमिस्ट्री जो है ना इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ मैटर, ये होता है केमिस्ट्री का मतलब। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की क्या करना, स्टडी करना, यानी मैटर यानी क्या होता है पदार्थ या फिर द्रव्य। देखो द्रव्य और द्रव अलग चीज है, द्रव्य मतलब मैटर, लेकिन द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है। ये पदार्थ जो है इसको आप ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें, ये गलत होता है, अकॉर्डिंग टू हिंदी ये गलत होता है, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं मैटर की किस बेसिस पर, हम स्टडी करते हैं मैसेज की और सॉरी मैटर की, तो एक तो कंपोजिशन पर, कंपोजिशन यानी संगठन, जिसे बोला जाता है आपका संगठन, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है रिएक्शन के बेस पर देखते हैं, रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है, दोनों हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ करेंगे। और उसके बाद हम एप्लीकेशन के बेसिस पर, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, देखो समझते हैं। देखो कंपोजिशन के आधार पर हम कैसे मैटर की स्टडी करते हैं, जैसे ये शर्ट है, ये मार्कर है, ये किसका कंपोजिशन है, यानी ये किन चीजों से मिलकर के बना है, वो होता है कंपोजिशन,
रिएक्शन, रिएक्शन हम कैसे देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जैसे हम लेते हैं एक गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब हम इनको मिलाते हैं वाटर H2O के अंदर तो H2O बन जाता है, यानी किसको मिलाने से क्या रिएक्शन होता है, क्या अभिक्रिया होती है इस बेसिस। और दूसरा हम देखेंगे जो है एप्लीकेशन के बेस पर, अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए हमने केमिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांट दिया, केमिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांट दिया। जो फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट वन PHY, फिजिकल केमिस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चार क्वेश्चन केमिस्ट्री से है तो दो क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, तो ये आपका 50% वेटेज रहता है एग्जाम के अंदर इसका, ठीक है। तो इनको समझने के लिए हमें पहले फिजिकल केमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनको समझने के लिए जो बेसिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का वो समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपका जो है बेसिक रूल ऑफ केमिस्ट्री हम समझेंगे, इसमें बेसिक रूल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे इसमें अपना हम समझेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे तभी हम इसके ऊपर आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर हम इसको करेंगे तो हमें समझ में नहीं आए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम पढ़ना क्या क्या, कौन से चैप्टर है जो केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ने, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो आपका चैप्टर है पहला वो है मैटर, दूसरा जो है सॉल्यूशन, मैटर को बोलते हैं पदार्थ या फिर इसे बोलते हैं द्रव्य, ठीक है। थर्ड वन इज मैटर सॉल्यूशन एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस और आपका सॉल्ट अम्ल अक्षार लवण, सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन बोलते हैं। इसके बाद आपका लाल अणु स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेलिंग मत जाना होगी। उसके बाद आपका रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इसे रेडियो सक्रियता बोला जाता है, इसे परमाणु बंध बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो छठा चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल जो आपका सेवंथ है वो है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और जो आपका आठवां जो चैप्टर है वो है मेटल नॉन मेटल
ठीक है। इसके बाद भी हम कुछ चैप्टर जैसे आपका पढ़ेंगे पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, और हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम फ्यूल। ये सारी चीजें हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। देखो मैटर क्या होता है, मैटर जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी चीजें होती है वो सारी मैटर के अंदर आती है। यानी हर एक चीज जिसे हम, जिसके अंदर कोई ना कोई मास होता है, ठीक है, और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीजें मैटर होती है, ठीक है। सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे सोल्यूट क्या होता है, ठीक है, सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट के बारे में देखेंगे, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम सोल्यूशन के अंदर देखेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर हम देखेंगे अम्ल क्षार लवण के अंदर कि स्वाद में खट्टे कम होते हैं, जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे कम होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें देखेंगे हम, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है। रेडियोएक्टिविटी आपका जो है लगभग 4 to 5 आवर का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, तो ये लगभग आपका 22 आवर के लगभग 22 से 25 घंटे के लगभग पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का जो है सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। अब हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है मैटर, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर मैटर। ये जो मैटर है इसका मैटर ही खत्म कर देते हैं आप, मैटर यानी पदार्थ, ठीक है, जिसे द्रव्य बोला जाता है। तो सबसे पहले आपके मन में बात आ रही होगी मैटर को क्या है, ठीक है, मैटर को क्या है। अभी हम देखेंगे मैटर का मतलब नहीं, यानी मैटर का, मैटर जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे हम इसका मैटर का। वर्गीकरण जो किया जाता है वो दो टाइप में है वर्गीकरण इसका, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ठीक। सबसे पहले मैटर का अर्थ देखते हैं, मतलब क्या होता है। देखो एनीथिंग, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास, हैविंग मास कंपोजिशन मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड वी कैन फील इट। एनीथिंग कोई भी चीज दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरती हो, हैविंग मास जिसके अंदर द्रव्यमान हो, कंपोजिशन सेंटर हो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जिसके अंदर जड़त्व का गुण हो, एंड जिसे महसूस किया जा सके, वी कैन फील इट, उसे क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। इस एग्जाम्पल जैसे कि आपका लकड़ी है, ठीक है, पत्थर है, हवा है, पानी है, जो भी चीजें आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे वो सारी क्या होती है, मैटर से बनती है, मैटर होती है, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आती है। पदार्थ क्या है, पदार्थ का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील इट। अब इसमें हम देखते हैं मास क्या होता है, उसके बाद हम कंपोजिशन का हमने देख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। देखो देखिए मास क्या होता है, मास और वेट का बड़ा फंडा चलता है, समझ नहीं आता।
स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिस स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और आपकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए इसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो आपका मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता, नेवर चेंज, और जो आपका वेट होता है ये आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, और जो वेट होता है उसकी एसआई मास को आप जो है किसी में मापते हैं, ठीक है, और वेट को आप न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर दो डिफरेंस है, मास जो है द्रव्यमान होता है, वेट जिसे भार कहा जाता है, मास इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दोनों होते हैं। ये जो आपका होता है मास, ये कभी भी चेंज नहीं होता, आप कहीं पर भी चले जाओ मास आपका हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे आपका इक्वेटर पर, आपका जब आप अर्थ के इक्वेटर पर होते हैं तो आपका वेट जो होता है वहां पर जीरो होता है, ठीक है। और जब आप इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाते हैं, जब आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो आपका वेट हमेशा इंक्रीज करता है, बढ़ता रहता है, यानी पोल्स पर आपका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो आपका इक्वेटर होता है, जब आपका इक्वेटर होता है उस पर जो आपका वेट होता है कम होता है, ठीक है। तो अभी हम जो है देखते हैं कि क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पहला नियम है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, कोई भी वस्तु रेस्ट में है, तो रेस्ट में रही, और कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रही। फिजिकल स्टेट पर जो क्लासिफिकेशन की जाती है मैटर की, वो आपकी अराउंड जो है पांच
आय शक्ति लाका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, और एक स्टेज हो रहा है जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेज। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेज इसको सोलिड के अंदर देख कर लिख देते हैं, तो सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड यानी ठोस, और आपको लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव। देखिए द्रव होता है, द्रव मैटर होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, और उसके बाद आपका है गैस। गैस जिसे हिंदी में गैस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक स्टेज आती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा आपका वायु के अंदर होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा। और एक स्टेज आती है जिसका नाम होता है क्या, बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेट 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 स्टेज, ठीक है। बोस आइंस्टाइन सन्निहित अवस्था, बोस आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक है जेसी बोस और आइंस्टाइन, इन्होंने मिलकर इसके जो है स्टेज को तैयार किया, बोस आइंस्टाइन सन्निहित अवस्था। ठीक है, ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेज। ये फिजिकल स्टेट है किसकी, मैटर की। जब हम मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं, पदार्थ को जब हम वर्गीकरण करते हैं, तो जब हम फिजिकल स्टेट पर वर्गीकरण करते हैं तो इसके जो है पांच टाइप से इसका वर्गीकरण किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन। अब हम सॉलिड पहले एक पर्दा समझ लेते हैं, जो आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी आपका मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो आपका वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, डेंसिटी। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। इसका मतलब ये कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका वॉल्यूम घटेगा, या फिर डेंसिटी अगर घटेगी तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। ये फंडा याद रखना है, जब आपकी डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, जब आपकी डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये उल्टा होता है। लेकिन जो डेंसिटी होती है और जो मास होता है, डेंसिटी है और जो मास है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, यानी जब डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा और जब डेंसिटी घटेगी तो मास भी घटेगा। लेकिन मैंने बोला था कि मास तो कभी बढ़ेगा नहीं, कभी चेंज ही नहीं होता, ये तो सेम रहता है। ये तब होगा जब आपका वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, ये फंडा याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड, सॉलिड के अंदर आपका जो सॉलिड जो होता है क्या होता है, इसके अंदर मान लो कि कोई लोहे का बोल है, कोई लोहे की कोई बोल बना लेते हैं, ये लोहे की बोल होती है, इसके अंदर ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर एक प्रकार का एक फोर्स होता है, इस सॉलिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंदर एक प्रकार का एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो एक प्रकार का एक फोर्स होता है ये दो हिस्सों में बढ़ता है, एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जब ये दो पॉइंट है, ये दो मॉलिक्यूल है, जब ये क्या करते हैं, पास पास आने की कोशिश करते हैं, जब इनको फोर्स लग रहा है मान लो, तो ये जब पास पास आते हैं तो ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
यानी जब मॉलिक्यूल पास पास होते हैं किसी भी चीज के अंदर तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल जाता है। तो जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो इसे फोर्स ऑफ प्रोपल्शन बोल जाता है, ठीक है ना। यानी पास पास नहीं होकर के दूर दूर होते हैं तो इसे फोर्स ऑफ प्रोपल्शन बोला जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जब मॉलिक्यूल पास पास हो, ऐसा होता किसके अंदर, ऐसा सॉलिड के अंदर होता है। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। और सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, तो जो सॉलिड का मास होता है, मास ऑफ सॉलिड वाकई हमेशा हाई होता है, ठीक है। मास होता है सॉलिड का, जब आप सॉलिड कोई भी चीज है ना, जो सॉलिड है जब आप उसको उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर किसी ना कुछ मास है। तो मास अगर हाई है, मास अगर ज्यादा है, तो मैंने बताया था कि डेंसिटी जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर तो मास ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, डेंसिटी इसे घनत्व कहा जाता है, ठीक है। डेंसिटी हाई होती है, मास अगर हाई है, डेंसिटी अगर हाई है, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि शेप और साइज, शेप है, साइज है, और इसका जो वॉल्यूम है, तो जो मास होता है वो हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता है जो है सॉलिड हाई होता है। शेप, साइज और वॉल्यूम, जो शेप और साइज होता है वो आपको पता है डेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। यानी शेप साइज क्या होता है, निश्चित होता है, वॉल्यूम भी निश्चित होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई बॉल है तो इसका कुछ ना कुछ शेप है, साइज है, और ये क्या है, निश्चित है, डेफिनेट है। इसकी वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट है, ठीक है। ये चीजें हम सॉलिड के अंदर देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे लिक्विड के अंदर, उसके बाद हम गैस पर जाएंगे, फिर प्लाज्मा को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेज को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड के अंदर हम देखते हैं, ये चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना कि मास होता है वो हाई होता है, डेंसिटी जो होती है हाई होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, शेप साइज क्या होता है इसका, हाई होता है, सॉरी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, ठीक है। इतनी बात को समझ चुके होंगे, और इसके बाद हम एक बार सॉलिड को और आगे तक लेकर जाएंगे, फिर लिक्विड को देखेंगे, ठीक है। सॉलिड को आगे तक लेकर जाएंगे, फिर लिक्विड को देखेंगे, और फिर आप इन सारी चीजों को देखेंगे, जो भी आगे इसके जो भी पार्ट है, जिस गैस लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, वो साइंस का एकदम सेट स्टेज है। आपका सॉलिड जो होता है ना, उसके अंदर चेंज कैसे आता है, ठीक है ना, चेंज कैसे आता है सॉलिड के अंदर, आपका जो है सॉलिड के अंदर जो आपका चेंज आता है वो टेम्परेचर के कारण, क्या चेंज आ सकता है टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर चेंज यानी तापमान में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, उसके बाद हम देखेंगे कि एक प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, ये प्रेशर चेंज होता है, दाब परिवर्तन होता है, ठीक है, ये चेंजेज है, दाब परिवर्तन होता है, ठीक है। चेंजेज इन सॉलिड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज एंड ड्यू टू प्रेशर चेंज। सबसे पहले टेम्परेचर के कारण कैसे चेंज आता है वो देखेंगे, फिर प्रेशर के कारण कैसे चेंज आता है वो देखेंगे, उसके बाद हम लिक्विड पे जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर चेंज कैसे होता है, हमने ली तीन चीजें, एक है सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड,
यहाँ पर आपका गैस हो जाता है। सोलिड में हमने एक एग्जाम्पल लिया आइस का होती है सोलिड होती है आइस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए जीरो होता है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ठीक है। और टंगस्टन का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है? 3420 डिग्री सेल्सियस, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन कैसे धातु है? तो टंगस्टन जो है एक मैन मेड मेटल यानी एक जो है ये बनाई गई धातु है जो मैन मेड मेटल है, ठीक है। सोलिड में हमने देखा आइस लिया एग्जाम्पल, आइस का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब आप आइस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपकी आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और क्या बन जाती है? वाटर बनना स्टार्ट हो जाती है, वाटर बनना स्टार्ट हो जाती है, सोलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके कारण जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? जब आप वाटर को पानी को उबाल देंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें वाटर वेपर में, ठीक। वाटर वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और इसे कहा जाता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे चलता जाता है, लेकिन हम गैस क्या करता है कि मैं ऐसे सोलिड में नहीं जाऊंगा और सोलिड कहता है कि मैं ऐसे गैस में नहीं जाऊंगा, तब ये फंडा रिवर्स आकार में आता है। जैसे गैस जो है रूम को वाटर के वेपर बने हैं, अब इनका जो टेम्परेचर है वो कम किया जाता है। टेम्परेचर कम करने के कारण वापिस से वाटर बन जाता है, जो अपना वाटर वेपर है वो वापिस से वाटर बन जाता है टेम्परेचर कम करने के कारण, ठीक है। और जहां पर ये वाटर बनना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट को कहा जाता है ड्यू पॉइंट, यानी उष्मांक बिंदु। और इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये जो प्रक्रिया है वाटर वेपर से वाटर बनने की प्रक्रिया, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन यानी संघनन। और यही जो प्रोसेस होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी रेन के लिए, यानी वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। ये जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है रेन के लिए, कैसे? जो आपके वाटर वेपर होते हैं, जो आपके वातावरण के अंदर, जो आपके एनवायरमेंट के अंदर वाटर वेपर होते हैं, वो जमीन पर वाटर के फॉर्म में आने लग जाते हैं, तो उसे वर्षा कहा जाता है। और उस पॉइंट को जहां पर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? फ्रीजिंग। इसे बोलते हैं हिमांक बिंदु, और इसे कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है हिमीकरण। यानी वह पॉइंट जहां पर जो वाटर है वो वापिस आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है, हिमीकरण कहा जाता है। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सोलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से डायरेक्टली सोलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो डायरेक्टली सोलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से सोलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट मटीरियल, सप्लीमेंट मटीरियल, सप्लीमेंट मटीरियल यानी उदरपादित पदार्थ। ठीक है, सप्लीमेंट मटीरियल होते हैं जो उदरपात
भौतिक पदार्थ जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके अंदर आपका जो है आपका आता है कैम्फर, कैम्फर जिसे कपूर बोलते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा आपका जो है ओडोनिल है, ओडोनिल की गोलियां है, नेफ्थलीन की गोलियां है जो आपकी टॉयलेट वगैरह में यूज की जाती है। इनसे जब आप कैम्फर है, कैम्फर को जब आप यहाँ पर मान लो कैम्फर है, कपूर है, जब आप इसको इसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, जब आप गैस के टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक शरीर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फंडा होता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर चेंज के बाद हम देखते हैं प्रेशर चेंज। सबसे पहले फंडा आपका जो है टेम्परेचर जो होता है, प्रेशर कन्वर्शन उसमें होता है, यानी जो टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, आपका जो है कहां पर होता है जब वो प्रेशर चेंज है। ये जनरली आपके जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सिलेंडर इसके अंदर जो आपका गैस सॉरी जो आपका लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, जिससे आपका सिलेंडर है जो स्टोव होता है उसको आप जला पाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर आपका लिक्विड है, यहाँ पर आपका गैस है, लिक्विड है और गैस है। जब आप लिक्विड के प्रेशर को कम करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है, और जब आप गैस के प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जब आप गैस के अंदर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यही फंडा आपका एलपीजी के अंदर होता है, एलपीजी जिसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बाकी देखेंगे बाद में, तो अगर मेरे आपको थोड़ा
फर्स्ट वीडियो उपज, तो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो शेयर जरूर करना। थैंक यू।